मूवी ठीक ठाक है, एक बार आप देख सकते हो। और टीवी पे तो बिल्कुल मत देखिएगा, थिएटर में ही आके देखिए, वो आपके लिए एक्सपीरियंस रहेगा। क्योंकि जितने भी एक्शन सीन्स हैं वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन किए हैं और काफ़ी लार्जर देन लाइफ है, मतलब मज़ा आ जाएगा आपको देखने में। बट काफ़ी लंबी होने के लिए चलते और गाने ज़्यादा होने के कारण फिल्म थोड़ी सी स्लो लगती है। अगर वो उनको चॉप कर दिया गया होता तो काफ़ी बेटर फिल्म हो सकती थी। अजय देवगन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वही सारी क्रांति जो है वो जगाते हैं सबके अंदर। और रामचरण इज़ बेस्ट, मतलब पूरी फिल्म में सबसे भारी रोल रामचरण का ही है, तो और वो लगे भी बहुत ही बेहतर है। और गाने की बात की जाए तो गाने मतलब ठीक है, मतलब मुझे इतने अच्छे नहीं लगे गाने, खाली एक नाचो नाचो को छोड़ के बाकी तो सब ठीक ही ठाक है। बट गाने काफ़ी ज़्यादा हो गए, तो उसकी वजह से 3.25 घंटे की फिल्म होगी, तो मेरे ख्याल से अगर गाने 1-2 ही रहते तो ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि फिर आदमी मैंने देखे ऑडियंस फिर मूड उनका जो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है ना, एक्शन चल रहा है आपका, स्टोरी चल रही है, फिर वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है उस चीज़ से। पिक्चर बांध के रखती है, जब गाने आते गाने हटा दीजिए, पिक्चर पूरी बांध के रखती है आपको। कितना स्टार देंगे? 3। थैंक यू। सुपर सुपर। जी सबसे बेस्ट रामचरण का जी। और बेस्ट सीन कौन सा लगा इस मूवी में? जी बेस्ट रामचरण का ही मेरे को लगा जी। और अजय सर का और आलिया भट्ट का रोल कम है, कम उनको दिखाया गया है, लेकिन सबका अच्छा लगा। हाँ, आलिया भट्ट का एक्सप्रेशन या फिर लुक वाइज जी उनका बहुत अच्छा लुक लगा, बहुत अच्छा लगा। वो अभी उनका गंगूबाई आया था, उससे भी बेहतरीन उनका लुक लगा, अभी बहुत अच्छा लगा। राजमौली का डायरेक्शन है तो उसके बारे में क्या कुछ बोलना जी? सुपर लगा, सुपर। बाहुबली भी उन्होंने बनाया था और अब आ गया है RRR, तो क्या लगता है कौन किस पे भारी पड़ेगा? जी वो शायद उतना ना हो बाहुबली कितना, लेकिन है जी। आउट ऑफ 5 कितने स्टार दोगे? जी 5 में से 5। RRR मूवी देखकर आ रहे हो, कैसी लगी मूवी आप तीनों को? बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। तो सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा मूवी में? फाइट सीन, एक्शन। हाँ, जानना चाहूँगी कि जूनियर NTR है, रामचरण है, आलिया भट्ट है, अजय देवगन है, सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा रोल लगा आपको? हीरो का रोल अच्छा लगा, हीरो का रोल रामचरण। आलिया भट्ट के बारे में क्या कुछ बोलना चाहोगे? उनको इतना नहीं दिया, इतना कुछ खास नहीं दिया उनको, छोटा रोल सपोर्टिंग रोल में ठीक है। डायरेक्शन वाइज क्या बोलना चाहोगे? बाहुबली के जो डायरेक्टर हैं राजमौली सर, उन्होंने डायरेक्ट किया है, तो इस मूवी को क्या कुछ बोलना चाहोगे कि भारी पड़ेगी बाहुबली पे या नहीं? बाहुबली पे तो भारी नहीं पड़ेगी, बट ये नया रिकॉर्ड क्रिएट करेगी। हाँ, आउट ऑफ 5 कितने स्टार दोगे आप? 4 स्टार। हाँ 4। थैंक यू मैम। क्या कर रहे हो? रोलिंग। तो RRR मूवी देखकर आ रहे हो, कैसी लगी मूवी? सुपर हिट, फुल मस्त, फुल एकदम आग लगा दी मूवी। पैसा वसूल मूवी, हिट, एकदम हिट। आप क्या बोलना चाहोगे? राम की बहुत अच्छी, जबरदस्त एक्टिंग, जबरदस्त फाइट। मुझे तो लग रहा था कि रामायण चल रही थी, लेकिन वो है बहुत अच्छी मूवी है। और ये पूरी देशभक्ति के ऊपर प्राउड फील होता है मूवी देखकर, एकदम प्राउड फील होता है अपने देश के लिए। क्या बोलना चाहोगे, कैसी लगी? एकदम हिट, मस्त, मज़ा आ गया। जो स्टार कास्ट है, जूनियर NTR है, रामचरण है, आलिया भट्ट है, अजय देवगन है, सबसे अच्छा काम किसका लगा और क्या कुछ बताना चाहोगे इन चारों के? मुझे जूनियर का, आलिया भट्ट का भी है, लेकिन जूनियर का बहुत अच्छा काम है उसमें, राम का भी बहुत अच्छा काम है। आपको? जूनियर मतलब सबका था, लास्ट सीन था ना वो बेस्ट था। वो दोनों साथ में लड़ाई करते ना, वो बेस्ट। सारे जंगल के एनिमल्स छोड़ के जो गोरों के ऊपर एकदम से टूट पड़ते हैं ना, वो मुझे बेस्ट सीन लगा। आपको क्या लगा? वो मुझे तो ये दोनों फाइट एक साथ करते हैं ना, वो लास्ट सीन बहुत सुपर मूवी है। सुपर। जो डायरेक्टर है राजामौली सर, उनके बारे में क्या कुछ बोलना चाहूँगी? उन्होंने सुपर मूवी बनाई है, बहुत अच्छी मूवी बनाई है। बस खत्म। 5 में से कितने स्टार दोगे? 5। थैंक यू। बहुत अच्छी लगी, बहुत ऐसा लग रहा था कि बस देखती ही जाओ, 10 बार भी देखूं तो भी कम पड़ेगा। तो जानना चाहूँगी डायरेक्शन ज़्यादा पसंद आया या फिर जो स्टार कास्ट है उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा? दोनों ऑसम, कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए, मतलब जितनी बार देखो उतना कम है। आलिया भट्ट के बारे में क्या कुछ बोलना चाहिए? बहुत वो तो ऑसम है ही, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है ही, और फर्स्ट टाइम उनको साउथ में देख के बहुत अच्छा लगा। जूनियर एनटीआर, रामचरण, अजय देवगन, उनकी एक्टिंग के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? परफॉर्मेंस के बारे में क्या बोलना चाहिए? अजय देवगन तो है ही, उनके बारे अजय सर तो ऑब्वियसली वो तो है ही सुपरस्टार, और बहुत खुशी हुई है आलिया जी को इसमें देख के। एंड डायरेक्शन तो ऑसम, सोच भी नहीं सकते थे कि इतना अच्छा लगेगा आने के बाद। सो मतलब बहुत अच्छा होगा, शब्द ही कम पड़ेंगे बोलने के लिए। तो बहुत हमने मूवी इंजॉय किया। अभी वापस मैं फ्रेंड्स के साथ आने वाली हूँ, एक फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ और ऑफिस फ्रेंड के साथ, सबके साथ। कम से कम मैं 5 बार चाहती हूँ कि मैं आके देखूँ। ओके, कौन सी ऐसी बात है जो आपको 5 बार देखने पर मजबूर कर रही है? पहला तो एक्शन तो ऑसम है, और कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो हमारी लाइफ बीत चुकी है, पुरानी चीज़ें, तो अंदर से ये चीज़ फीलिंग आती है कि हम इतने बंध के थे अपने देश में, तो फाइनली बहुत ज़्यादा इमोशनल तो बहुत ज़्यादा हो गई थी मैं, तो फाइनली अब आज़ादी वाली फीलिंग आती है कि हाँ, हम अंग्रेज़ों से अब आज़ाद हो गए, अब खुल के ज़िंदगी जी रहे हैं। सो बहुत ज़मीन से जुड़ी मूवी थी, बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी। राजामौलिस सर बनाए हैं जिन्होंने बाहुबली भी बनाया था, और अब RRR आया, तो क्या लगता है कौन किस पे भारी पड़ेगा, या फिर बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन क्या कुछ आप बताना चाहेंगे कि किसका ज़्यादा होने वाला है? बाहुबली तो ऑब्वियसली उसका ज़्यादा रिव्यू अच्छा था, ये भी अच्छा है, दोनों ही अच्छा है, और उनके बारे में तो शब्द ही कम पड़ेंगे बोलने के लिए, क्योंकि हर बार उनका डायरेक्शन इतना अच्छा रहा है, तो कुछ नो कमेंट्स उनके बारे में, सॉरी। थैंक यू। कितने पसंद आए आपको सॉन्ग्स? ठीक है, बट मूवी ज़्यादा, स्टोरी ज़्यादा अच्छी लगी सॉन्ग्स के मुताबिक। 5 आउट ऑफ 5 कितने स्टार दोगे? 5 पूरे 5। थैंक यू। सो RRR मूवी कैसी लगी आपको? अच्छी थी। परफॉर्मेंस वाइज अगर बात की जाए, रामचरण की ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। आलिया भट्ट की परफॉर्मेंस कैसी लगी? ठीक था, वैसा कुछ नहीं था, लेकिन रामचरण का मुझे सबसे अच्छा लगा। राजामौलिस सर की डायरेक्शन किसी को पसंद आई? सेम हर मूवी में जो रहता है, अच्छा था। आउट ऑफ 5 स्टार कितने दोगे? 5। थैंक यू। रोलिंग। सो RRR मूवी देख कर आ रहे हो, कैसी लगी मूवी आपको? हम तो चकाचौंध हो गए बिल्कुल मूवी देख के। मतलब 3 घंटे की मूवी, लगा था कि शायद एडिटिंग कोई रैंडम सीन हो सकते, लेकिन एस राजामौलिस का जो विजन है बिल्कुल फिनोमिनल, इतनी माइंड ब्लोइंग मूवी है कि फ्रॉम द फर्स्ट सेकंड टिल द लास्ट फ्रेम, मतलब आप देख के यू विल बी एट द एज ऑफ योर सीट, मतलब आप देखते रह जाएंगे, कहीं भी कोई फ्लॉ नहीं, इट्स कम्प्लीटली अनपैकेबल। बहुत ही ऑसम मूवी है, और जो जूनियर एनटीआर और रामचरण जिस भी फ्रेम में आए हैं, वो फ्रेम में उन्होंने इतना ज़्यादा अच्छा रोल किया है। मतलब वो नाचो नाचो गाना है, उसकी कोरियोग्राफी इतनी अच्छी है, एनर्जी इतनी अच्छी है, उन दोनों की केमिस्ट्री इतनी अच्छी है, दे हैव वंडरफुल कमेड्री। एंड राजामौलिस का विजन, हैट्स ऑफ टू हिम। मतलब मैं बोलता कोई बॉलीवुड का डायरेक्टर उनसे मैच नहीं कर सकता, हॉलीवुड लेवल की मूवी। What about आलिया भट्ट, कैसी लगी आप? आलिया भट्ट बहुत ही ग्रेसफुल, बहुत ही एलिगेंट लगी हैं वो अपने रोल में सीता के। पर जैसे मैंने कहा कि जूनियर एनटीआर और रामचरण से अगर नज़र हटेगी तो कहीं और नज़र, इवन जो ब्रिटिश कैरेक्टर्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, स्टोरी बहुत अच्छे ब्रिटिश सीधा डिपिक्ट किया है, और अजय देवगन का भी अच्छा रोल सेकेंड हाफ में। बट जैसे मैंने कहा जी, जो 2 प्रोटैगनिस्ट हैं, जो फाइटर्स दिखाए हैं ब्रिटिश राज में, इनके बहुत अच्छे रोल्स हैं, और जो भी ब्रिटिश कैरेक्टर्स भी जिन्होंने निभाए वो भी बहुत अच्छे हैं। काम से जाने जाते हैं, बाहुबली इतनी हिट रही और अब RRR आया, तो क्या लगता है कि ये उसको पीछे कर पाएगा, या फिर जिस तरह से इसकी, मैंने सुना कि 800 करोड़ का ऑलरेडी इन्होंने जो भी म्यूजिक राइट्स वगैरह से और ऑल राइट्स से मिल गया है इनको, तो आप देख सकते हैं कि इसका ट्रेलर देखिए, लोग इतना, मतलब लोग देखना चाहते थे, ये मूवी के इंतजार हो रहा था। हाँ, हमें पता है कि बाहुबली 1 और 2 बिल्कुल अलग ही लेवल की थी और वैसे बिजनेस किया, बट ये एक और लेवल ऊपर है, क्योंकि इसके 3D इफेक्ट्स और विजुअल इफेक्ट्स इतने स्टनिंग हैं, इतने माइंड ब्लोइंग है कि जब मैंने जैसे कहा, यू विल बी एट द एज ऑफ योर सीट, बहुत मजा आएगा आपको देख के। बेस्ट सीन कौन सी लगी आपको इस मूवी में? एक शुरू में जूनियर एनटीआर जो एक वुल्फ और एक टाइगर उनको चेज करे, वो एक सीन बहुत ही धमाकेदार है। फिर एक ब्रिज के पास एक बच्चे को सेव करते, वो वाला सीन बहुत अच्छा है। या उनका नाचो नाचो गाना, ओ माई गॉड, वो हम लोग ने ट्रेलर में देखा था, क्या एनर्जी है, क्या केमिस्ट्री है दोनों की, मतलब आप बिल्कुल मंत्रबुद्ध हो जाएंगे आप उन दोनों को देख के, बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। ऑब्वियसली 5 आउट ऑफ 5 विदाउट फ्रैक्शन ऑफ डाउट, इट हैज़ टू बी 5 आउट ऑफ 5, और कुछ लोग शायद 5 से भी ऊपर दे देंगे। थैंक यू।